अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम निखत परवीन है और आज मैं आप सभी को वापस से अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग ट्रेंड्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में शाही पनीर बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम पनीर लिया है। ये मैंने घर पे पनीर बनाया है, आप चाहे तो बाज़ार का भी पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लेंगे हम, 4 से 5 बादाम की कलियाँ लेंगे, 8 से 10 काजू लेंगे, 3 हरी इलायची, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, प्याज लेंगे 2 से 3 अदद और टमाटर लेंगे हम मीडियम साइज़ के 2 से 3 अदद। इसे हम मोटा मोटा काट लेंगे क्योंकि इसे हमें बॉईल करना है। मलाई है यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 कप, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और ये दही है, दही हम इसलिए डालेंगे ताकि इसमें रिचनेस आए। तो ये देखिए मैंने प्याज जो है वो मोटा मोटा काटना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हम टमाटर भी काट लेंगे। काटने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और इसे उबाल लेंगे। टमाटर, प्याज और सारे मसाले डालकर और इसमें हम 1/4 कप के तकरीबन पानी डालेंगे और इसे ढककर हम उबाल आने तक तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से गल ना जाए। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे, इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे हम। ये देखिए पीस के तैयार है, इसे हम छान लेंगे। अगर आपको एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इसे छान के इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मुंह में थोड़ा दरदरा पर आने से कोई दिक्कत ना हो तो आप इसे बिना छाने हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा स्मूथ करी का जो बेस है हमारे शाही पनीर का वो तैयार है। अब हम फिर से फ्लेम ऑन करेंगे, इस पर अपना कढ़ाई चढ़ाएंगे और इस पर मैंने बटर डाल दिया तकरीबन 1/4 कप। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि इससे बहुत अच्छा कलर आए। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे 30 सेकेंड तक और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया है अपना वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम और इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमें 1 टीस्पून डालना है क्योंकि हम क्रीम भी डालने वाले हैं और क्रीम भी मीठा रहता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चीनी डाल दिया है। इसे एक और बार मिक्स करेंगे और इसमें मैं तब तक दही जो है वो फेंट के और इसमें डाल दूँगी। दही मैंने 1/4 कप लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है मैंने, देखिए एकदम लम्स नहीं है। इसमें शामिल कर दूंगी मैं, अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे मैं एक उबाल आने तक पहले पका लूंगी। तो देखिए हमारा ग्रेवी जो है वो उबल गया और इसे पकते हुए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया है और अब इसमें हम पनीर शामिल कर देंगे। पनीर शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे लो फ्लेम में तकरीबन 5 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि पनीर जो है
ग्रेवी को और सारे फ्लेवर्स को जो है अब्सॉर्ब कर लें। अब जैसे ही हमारा पनीर जो है वो तैयार होने लग जाए, हम इसमें मलाई शामिल कर देंगे। कस्तूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं और हल्का सा गरम मसाला छिड़क देंगे। और ये लीजिए, हमारे शाही पनीर जो है ये तैयार है। इसे हम क्रीम से गार्निश कर लेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।